गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जो हमारा पहला रिवीजन जो आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोर्स है फाइनल तक का वो कंप्लीट हो गया है, तो अब हमें अपना रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, टाइम थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, अभी कोरोना का टाइम है और आप सभी बच्चे घर पर ही हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें जो अपनी स्टडी है उसको हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आपसे जुड़ा रहना है। तो उसके लिए हम आपको आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, उस पर आपको वीडियोज आती है, उसके लिए आपको PDF भेजी जाती है, जो वर्क आपको सारा अपनी कॉपीज में करना होता है। ठीक है, जो हमारा लास्ट वीडियो था वो हमारा डिवीजन वीडियो ही था और वो था पार्ट 11 का बादल छाएगा। आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 12 है, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इसका नाम है क्या नाम है बच्चों इसका, हम है साथ तुम्हारी। ठीक है, इस पाठ का नाम क्या है, हम है साथ तुम्हारी। ठीक है, तो ये जो वर्क जो दे रखा है इसको आपको PDF में भी आएगा ये वर्क, और आपको उसको कॉपी में भी करना है। तो एक बार मैं सारी चीज़ें आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपको वर्क करना है, किस तरीके से लर्न करना है, किसका आंसर क्या है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, शब्दों के अर्थ लिखिए। अब आपकी जो बुक है, जो पुस्तक है, या फिर मैंने जब क्वेश्चन जब ये चैप्टर कराया था तो उसमें काफ़ी सारे जो शब्दार्थ हैं दे रखे हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ सेलेक्ट करके लिए है क्योंकि एग्जाम में से जो भी आएगा वो रिवीजन वक्त में से ही आएगा। ठीक है, तो आपको जो आज कराया जा रहा है या इस रिवीजन वक्त में जो भी कराया जाएगा उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। तो हमारा पहला शब्द है घना। घना का क्या अर्थ होता है, पेड़ों से भरा। ठीक है, दूसरा है प्रसन्न, इसका तो सबको ही अर्थ जानता ही होगा, प्रसन्न यानी कि खुश होना। ठीक है, मनुष्य, मानव या आदमी। अब बच्चों यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, मानव भी दे रखा है और आदमी भी दे रखा है। यदि आप एग्जाम में आपको दो ना लिखने हो, आपको सिर्फ मानव ही लिखना है तो भी सही होगा, और आप दोनों भी लिख देते हो तो भी सही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनमें से एक को भी लर्न कर सकते हो। दूसरा है खुशबू, इसका भी आप सभी अर्थ जानते हो, खुशबू का क्या अर्थ होता है, सुगंध, यानी इसको हम बोलते हैं स्मेल। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है, सही विकल्प का, सही विकल्प पर राइट टिक लगाइए, यानी कि क्वेश्चन होगा उसके कुछ विकल्प होंगे, विकल्प में से हमें चूज करना है कि राइट आंसर कौन सा है और उस पर हमें टिक मार्क करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जंगल में पेड़ों के साथ रहते थे। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जंगल में कौन कौन रहते थे, भूत या जानवर, पेड़ तो वहां रहते ही हैं लेकिन पेड़ों के साथ किसकी कहानी है, वहां पर जानवरों की कहानी बताई गई है। तो जंगल में पेड़ों के साथ कौन रहते थे, जानवर रहते थे, इस पर हम टिक मार्क कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है, पेड़ अपने फल, दो ऑप्शन दे रखे हैं, खुद नहीं खा सकते या खुद खा सकते हैं। क्या पेड़ अपने फल खाता है, कभी नहीं खाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खुद नहीं खा सकते। फिर है नेक्स्ट, जानवर कुल्हाड़ी वाले मनुष्य को जंगल में क्या करते थे, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें भी दो ऑप्शन दे रखे हैं, आने देते थे या नहीं आने देते थे। तो इसका राइट आंसर है नहीं आने देते थे, क्योंकि जब पेड़ और जानवर एक दूसरे की बातें सुनते हैं तो वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जानवर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो लकड़ी बीनने या फिर सूखी घास लेने जंगल में कोई आ रहा है जिसके पास कुल्हाड़ी नहीं है, उन मनुष्यों को तो वो आने देते थे, लेकिन जानवरों को कोई कुल्हाड़ी वाला कोई व्यक्ति दिख जाता था तो उसको वो वहाँ से भगा देते थे, क्योंकि उनको पता चल जाता था इसके हाथ में कुल्हाड़ी है तो ये पेड़ों को काटने आ रहा है, इसलिए जानवर क्या करते, जंगल से उनको बाहर खदेड़ देते थे। ठीक है, तो समझ में आया कि जानवर कुल्हाड़ी वाले मनुष्य को जंगल में क्या करते थे, नहीं आने देते थे। ओके, अब हमारा है प्रश्न 3, किसने कहा। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाक्य किसने कहे हैं। पहला है, हम इन्हें खुशबू और लकड़ी भी देते हैं। ठीक है, अब ये बात किसने कही थी कि हम इन्हें खुशबू और लकड़ी भी देते हैं। अब खुशबू कौन सा पेड़ देता है, चंदन का पेड़, तो ये वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, चंदन के पेड़ ने कहा है। फिर है,
भाई हम अपने फल तो खा नहीं पाते। ठीक है, तो ये वाक्य किसने कहा? आम के पेड़ ने कहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये किसने कहा। इनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है, ध्यान रखना कि ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं। फिर है रिक्त स्थान भरिए। पहला है जंगल में तरह तरह के वृक्ष थे। ठीक है, तो इस ब्लैंक जिससे अब ये वृक्ष के नीचे अंडरलाइन हो रखा है, तो जब एग्जाम में होगा तो ये जगह खाली मिलेगी आपको। तो आपको लर्न करना है कि जंगल में तरह तरह के क्या थे? वृक्ष थे। जंगल से ब्लैंक ट्रक निकले, तो कितने ट्रक निकले थे? दो ट्रक निकले थे, तो इसमें क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। ठीक है, उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखी, जो वर्ड्स रिक्त स्थान में आएंगे उनके नीचे मैंने अंडरलाइन की हुई है। ओके, अब है हम इन्हें खुशबू और लकड़ी भी देते हैं। तो हम इन्हें ब्लैंक और ब्लैंक देते हैं, क्या देते हैं? खुशबू और लकड़ी। इसमें दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है, खुशबू और लकड़ी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको यहाँ तक? अब है क्वेश्चन आंसर, कि इसमें कुछ प्रश्न है, उनके प्रश्न लिखे हुए हैं, फिर उनके उत्तर भी लिखे गए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है क्या है? पहला प्रश्न है आम के पेड़ को खांसी क्यों आ गई। ठीक है, तो ट्रक से निकले धुएं से आम के पेड़ को खांसी आ गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? आम के पेड़ को खांसी क्यों आ गई? तो इसका आंसर क्या होगा? जब जंगल से ट्रक निकल रहा था, आप चैप्टर को जब दिमाग में लेके आओगे कि हमने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें आया था कि जब जंगल से ट्रक निकला तो ट्रक से निकले जो धुआं है उससे आम के पेड़ को खांसी आ गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रक से निकले धुएं से आम के पेड़ को खांसी आ गई। अपना दूसरा क्वेश्चन है, इमली ने आम के पेड़ से क्या पूछा। अब आप अपना चैप्टर जब रीड किया था उसको याद करो कि क्या पूछा था। तो इमली ने, उत्तर क्या है? इमली ने आम के पेड़ से पूछा कि क्या तुम इमली खाओगे। किससे पूछा? इमली ने पूछा, किससे पूछा? आम के पेड़ से। क्या पूछा? क्या तुम इमली खाओगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब अपना है प्रश्न तीन, जानवर पेड़ों की सहायता किस प्रकार करते थे। ठीक है, किस प्रकार करते थे? उत्तर क्या होगा? जब कोई मनुष्य जंगल में पेड़ काटने आता तो सारे जानवर चुपचाप उस पर नजर रखते। जो मनुष्य फल पत्तियां और लकड़ी बीनने आते उनसे कुछ नहीं कहते, परंतु आरी कुल्हाड़ी वाले मनुष्यों को जंगल से बाहर भगा देते थे। ऐसा कौन करता था? जानवर करते थे। क्यों करते थे ऐसा? वो पेड़ों की सहायता के लिए। तो एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, कि जब कोई मनुष्य जंगल में पेड़ काटने आता तो सारे जानवर चुपचाप उन पर नजर रखते थे। किस पर? जो मनुष्य जंगल में पेड़ काटने आ रहा है उन पर छुपकर नजर रखते थे कि कौन आ रहा है। और जो मनुष्य फल पत्तियां और लकड़ी बीनने आते थे उनसे वो कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि ये मनुष्य नुकसान के लिए नहीं आ रहे हैं, परंतु आरी कुल्हाड़ी वाले मनुष्यों को जंगल से बाहर भगा देते थे। ठीक है बच्चों, तो आपका ये 12 चैप्टर का रिवीजन ही खत्म हो जाता है। आपको इसको, इसकी पीडीएफ आएगी तो उसका जो वर्क है उसको आपने नोटबुक में करना है। ठीक है, और जो नोटबुक में आपका वर्क किया होगा वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्कूल आओगे तो आपका वो वर्क चेक किया जाएगा। ठीक है, साथ के साथ सेकंड थिंग ये है कि आपको जो भी वर्क आ रहा है रिवीजन में उसको आपको लर्न करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लर्न कर लेना। धन्यवाद।